आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्वराज का 963 एफई मॉडल का, फोर व्हील ड्राइव में है ये, 63 एचपी का ट्रैक्टर है। तो ये इसमें ब्रांडिंग की गई सिंस 1974 4x4 और एसटी यानी कि सिंक्रोमस ट्रांसमिशन, और एफई यानी फ्यूल एफिशिएंट। अब ये हेडलैम्प देख लेते हैं इसके। ये अपने पुराने मॉडलों से बिल्कुल अलग डिज़ाइन दिया है इसने हेडलैम्प का। ये जो टर्न लैम्प भी इसने दिया है सामने, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका पूरा प्लेन दिया है, तो काफ़ी स्पेस है, कंफर्टेबल है चलाने के लिए। और ये हॉर्न है यही स्टीयरिंग में दिया है। और ये डैशबोर्ड, अभी ये नई गाड़ी है, लगभग 77 घंटे ही चली है। और ये डैशबोर्ड में पूरे कंट्रोल्स और पैरामीटर्स दिए हैं। ये स्पीड सिलेक्शन लीवर है गियर सिलेक्शन के लिए, तो ये रिवर्स और 1, 2, 3, 4 मतलब टोटल 5 स्पीड कॉम्बिनेशन के साथ आता है। और ये इसका रेंज सिलेक्शन है लो हाई मीडियम रेंज के लिए, न्यूट्रल भी इसी में दिया है। तो टोटल इसमें 15 गियर हो जाते हैं, 12 फॉरवर्ड के और 3 रिवर्स में। और ये नीचे ये इन्होंने पे हैंड ब्रेक दिया है, काफ़ी स्मूथ है एकदम कार जैसे, आसानी से लग जाता है। और ये फोर व्हील ड्राइव के लिए है, आप इंगेज डिसंगेज करने के लिए आप नीचे दबाएंगे तो फोर व्हील लग जाएगा ऊपर की। और ये है मल्टी स्पीड पीटीओ के लिए है, गियर ये वाला लीवर है। और एक पीछे भी दिया है, ये इसका क्लच है, ये पीटीओ क्लच है, ये इंडिपेंडेंट टाइप पीटीओ क्लच के साथ आ रहा है, डुअल क्लच कहते हैं जिसको, डबल। और ये इसका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के लिए जो पीछे हाइड्रोलिक वाल्व दिए हैं, ये इसके पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए है। ये ट्रांसपोर्ट लॉग है, आप कभी ले जाता है इंप्लीमेंट्स तो यहाँ से। और ये बॉक्स दिया है इन्होंने, ये मोबाइल चार्जर के लिए या फिर बैटरी का आउटपुट लेने के लिए, यहाँ पे ये बॉक्स दिया है इन्होंने, आप अडैप्टर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये एक्सेलरेटर है और ये ब्रेक पैडल सस्पेंडेड टाइप वाई भी है। ये पार्किंग लाइट के लिए, और ये स्टॉपर लीवर है ये बंद करने के लिए गाड़ी। और इसने सेफ्टी स्विच है वो इस बार क्लच में सेट करके दिया है, यानी आप जब क्लच प्रेस करेंगे तभी ट्रैक्टर स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये सेंसर दिख रहा है। और ये 55 लीटर के डीजल टैंक के साथ आता है, जो कि इस कैटेगरी में पर्याप्त होता है। और अब इसका हम बोनट खोलते हैं, ये इसको आप हल्का सा प्रेस कीजिए और आसानी से उड़ जाता है। तो ये सिंगल सिलेंडर के साथ आ रहा है सपोर्ट के लिए, जो हाइड्रोलिक रैम सिलेंडर दिया है, ये सामने से है, लेकिन ये पूरा नहीं खुल रहा है। तो ये जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वहीं पे फिट है, तो गाड़ी धुलने में थोड़ी दिक्कत जाती है इससे। तो ये बदलाव थोड़ा कर सकते थे कि ये पूरा खुल जाता तो इंजन वगैरह आसानी से साफ हो सकता था। ये पावर स्टीयरिंग के लिए रिजर्वायर दिया है, ये इनलेट है, और ये रिटर्न के लिए ये वाला पाइप है, ये यहाँ से देख लीजिए, ये वाला पाइप ये रिटर्न पाइप है। और ये हाइड्रोलिक पंप हो गए, ये मेन वाला पंप है, और ये पावर स्टीयरिंग के लिए ये है। और ये उसके फिल्टर, ये पावर स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक फिल्टर है, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का। और ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है, इसको डिफरेंशियल टाइप सिलेंडर भी बोलते हैं। और ये इसका फोर व्हील का शाफ्ट भी है ये। और ये मैग्नेटिक सेपरेटर दिया है, ये मेन हाइड्रोलिक क्रैंक के लिए मैग्नेटिक स्टेनर भी बोलते हैं। ये है ड्राई टाइप एयर क्लीनर, ये अगर खोलेंगे तो अंदर ये डुअल एलिमेंट, ये प्राइमरी वाला है और सेकेंडरी फिल्टर अलग है। ये इसका क्लॉक इंडिकेटर है, और ये होज पाइप ये इनलेट मैनिफोल्ड तक गई है, यहाँ से हवा इंजन तक जाती है। और ये कूलेंट के लिए है, ये रिजर्वायर इसका कूलेंट, आप यहाँ पे जो एक्सेस है उसको फिल कर सकते हैं। और ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो ये इसके रॉकर आर्म वगैरह यहाँ पे है। ये EGR सिस्टम है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, तो पॉल्यूशन के लिए लगा रहता है ये। और ये EGR के लिए जो यहाँ से जो गैस जाती है एग्जॉस्ट वाली, धुआं वाली, वो इस पाइप के थ्रू जाती है, और EGR फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करता है। अब ये स्वराज का इंजन है इसमें, पहले ये महिंद्रा का जाने लगे थे, अब स्वराज का आ रहा है 3 सिलेंडर के साथ में। और ये इसका साइड का लुक है, आ,
ये 540 फॉरवर्ड और 540 इकोनॉमी पीटीओ के साथ आता है ये वाला लीवर। और ये हाइड्रोलिक स्पूल वॉल्व है, आप एमबी प्लाव वगैरह चलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लेजर लैंड डिवलर वगैरह। एक इजी हिच लीवर करके दिया है जी, इजी हिच लीवर है, यानी आप ड्राइवर सीट में नहीं बैठा है तो पीछे से आसानी से हिचिंग कर सकता है, इसको एडजस्ट कर सकता है। और ये हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व है, आप इससे जो पीछे इंप्लीमेंट अटैच है उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से उठे कितनी नहीं। ये इसकी प्लाउ लैंप है और ये नंबर वगैरह लिखवाने के लिए नीचे नंबर प्लेट के लिए लाइट दी है, ये इसके पीछे ब्रेक लाइट होगी। और 16 नौ के टायर हैं इसके और पिछले टायर। और ये है उसका फ्रंट एक्सल है, ये करारो का फ्रंट एक्सल है, ये करारो कंपनी द्वारा बनाया गया है, प्लेनेटरी टाइप एडक्शन के साथ आता है, ये इसकी ब्रांडिंग है जो करारो ने बनाया है और काफ़ी अच्छा माना जाता है करारो का एक्सल। ये इसमें ग्रीस पॉइंट भी दिया है इस पर, ये यहाँ पे लगभग इसमें 5-6 ग्रीस पॉइंट है इस फ्रंट एक्सल में। और ये मेक एंड मॉडल दिया है स्वराज के द्वारा, लगभग 38.5 किलोवाट का पीटीओ पावर जनरेट कर रहा है ट्रैक्टर, तो वो लगभग 51 HP के आसपास का, और जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है 272 है। तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देख लेते हैं, इसमें इसका जो स्टेयरिंग है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो क्योंकि फोर व्हील में लोगों का कहना है कि स्टेयरिंग थोड़ा प्रॉब्लम करता है, मतलब अच्छे आसानी से कम जगह में नहीं करता, जो टर्निंग रेडियस सब वो काफ़ी ज़्यादा रहती। तो ये देखिए आप, नॉर्मल ट्रैक्टर जैसे ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक डेढ़ मीटर का फ़र्क रहता है उसमें टर्निंग रेडियस में। और अब रिवर्स में देखिए देख रहे थोड़ा, तो ये देख लीजिए आप, ये इजी हिच पॉइंट के लिए है ये, आप अगर ड्राइवर अकेला है तो भी वो आसानी से मतलब कोई इंप्लीमेंट ट्रॉली वगैरह यहाँ से जोड़ सकता है या हटा सकता है उनको।